बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जी थ्री क्लास, आज हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में जो उन्होंने स्टेटमेंट बताई है कि हमने जो फाइंड आउट करना है वो ये है, कहते हैं स्टार्ट विद दी हंड्रेड्स, हंड्रेड से स्टार्ट करें, देन डिवाइड द टेंस और फिर टेंस को डिवाइड करें, देन डिवाइड द वंस और फिर लास्ट में वंस को डिवाइड करें। इसका मतलब ये है, कहते हैं डिवीजन जब आपने स्टार्ट करनी है तो 100। अब ये देखिए, जैसे आपके पास क्वेश्चन नंबर 11 का जो ए पार्ट है, इसमें देखें ये आपके पास जो है 505 है, इसे हम डिवाइड करेंगे 5 के साथ। अब यहाँ पे जो है ये आपके 100 की फॉर्म में है। कैसे? ये आपके पास 5 जो है ये वंस है और ये 0 जो है ये टेंस को शो कर रहा है और 5 जो है ये 100 को कर रहा है। कहते हैं सबसे पहले 100 जो है इसे करें, उसके बाद जो है आप फिर टेंस को करें और उसके बाद जो है आपने वंस को करना है। जी अब ये देखिए हम कैसे करते हैं, मैं आपको डिवाइड करके बताऊंगी, बहुत ही ज़्यादा इजी है। जी 505 डिवाइड बाय 5। थ्री क्लास, अब ये देखें हमने ये 5 हमने चेक किया है, सबसे पहले 100 को और ये 5, तो 5 को 5 का टेबल कहाँ तक काउंट करें तो 5 आता है, 5 1 5, 1 राइट किया, इसके बाद हम राइट करेंगे यहाँ पे 5, तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है 0। फिर ये भी हमारे पास 1 डिजिट है ऊपर से ही, हम कितने डिजिट्स लेके आएंगे, 1 ही लेके आएंगे। 1 डिजिट हमने एक ऊपर से लिया और ये भी लिया। अब ये देखिए, ये तो हमारे पास 0 है और ये क्या है 5 है, इसका मतलब है 5 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 0 आएगा। तो जी बच्चे हम 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 5 0, उस 0 को यहाँ पे करेंगे और वो 0 जो है जब 5 से मल्टीप्लाई होगा तो उसे भी क्या कर देगा, 0 कर देगा। फिर इसके बाद हम ऊपर से क्या लेके आ रहे हैं, पहले हमने 0 लिया, अब यहाँ से हम लेके आएंगे 5 को। जी अब हमने 5 यहाँ पे 5 राइट किया, अब फिर दोबारा 5 1 5। जी थ्री क्लास, आपकी डिवीजन क्या हो गई है, ये कंप्लीट हो गई है, तो इसलिए आप यहाँ पे राइट कर सकते हैं 505 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 101। जी ये हमने क्या किया है, इसका आंसर कर लिया है ना, इजी, बहुत ही ज़्यादा इजी है थ्री क्लास। अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 का मैं जो है वो सी पार्ट करवा रही हूँ, उसे भी सेम आपने ऐसे ही करना है। सबसे पहले उसे आप इस फॉर्म में राइट करें, जी 848 डिवाइड बाय 8। अब इसका ये फर्स्ट डिजिट है, हमारे पास 1 डिजिट है, इसका आपने 100 जो है यहाँ पे 1 डिजिट को यूज़ करेंगे सबसे पहले। जी 8 का टेबल कहाँ तक काउंट करें तो 8 आता है, जी आपने सही बताया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो 8 ही आएगा, 8 1 8। जी 8 में से 8 हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आता है 0, तो फिर ऊपर से हम एक डिजिट लेके आएंगे तो वो क्या होगा 4। जी क्योंकि हम यहाँ 1 by 1 लेके आ रहे हैं ना। अब आप ज़रा ये चेक करें थ्री क्लास, अब आपने यहाँ पे गौर करना है, जी आप ज़रा गौर करिएगा थ्री क्लास, कि हम ऊपर से लेके आए हैं 4 और ये 4 है और ये 8 है, मतलब कि 4 हमारे पास क्या है, ये छोटा नंबर है, 8 हमारे पास बड़ा है, छोटे नंबर को बड़ा कैसे डिवाइड करेगा। तो अब आपने ये काम करना है, अब हमें चाहिए एक और नंबर जो कि इसे बड़ा कर दे, तो हम यहाँ पे कैरी वगैरह तो नहीं ना ले सकते, तो हम ऊपर से जब दूसरा नंबर नीचे, हम ऊपर से दूसरा नंबर नीचे लेके आ सकते हैं। अब ये देखें या फिर इस तरह से, जब आपके पास छोटा नंबर हो और इधर बड़ा हो तो आप यहाँ पर 0 राइट करें, ओके, हम यहाँ पे इसके आंसर के हिस्से का 0 राइट करेंगे और ऊपर से हम क्या लेके आएंगे, यहाँ पे हम लेके आएंगे 8। जी हम लेके आएंगे 8, जैसे हम 8 को लेके आ गए ऊपर से, जी तो यहाँ 48 हो जाएगा, अब तो ये बड़ा है और 8 छोटा है, और ये 0 कहाँ से आया, 0 हमने इस वजह से लगाया है क्योंकि 4 हमारे पास छोटा था 8 बड़ा था, तो हमें एक और नंबर की ज़रूरत थी, तो हमने यहाँ पे ऊपर 0 राइट किया और 8 को हम इसके साथ लेके आए हैं, अब 48 है। अब 8 का टेबल हम कहाँ तक काउंट करें तो 48 आएगा, जी आप लोग 8 का टेबल काउंट करें तो मैं बता देती हूँ आपको, जी 8 6 r 48। आप यहाँ पे 6 राइट करें और 48 इधर करें आंसर में,
तो इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इसका कुछ भी नहीं है, ज़ीरो या क्रॉस, तो आप जो है यहाँ पे राइट कर सकते हैं एट। सो एट फोर एट डिवाइड बाय एट इज इक्वल टू 106। तो इस तरह से थ्री क्लास आपने क्वेश्चन नंबर 11 के तमाम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी हैं, इन्हें आपने इसी तरह से करना है जी। और बाकी जो है वो आपने खुद प्रैक्टिस घर में करनी है और अपने पेरेंट्स को चेक करवाना है। लेकिन जो होमवर्क है वो ज़रा देखिएगा, डायरी जो है वो ज़रा देखें। क्वेश्चन नंबर 12 ए बी सी डी ई एफ जी, क्वेश्चन नंबर 12। लेकिन क्वेश्चन नंबर 11 आपने खुद घर में प्रैक्टिस करना है, मैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है क्वेश्चन नंबर 12 सेम टू सेम इसी तरह से करना है जैसे हमने 11 किया था। और मैं क्वेश्चन नंबर 12 जो है इसके जो है ए से लेके एफ तक पार्ट जो है ये आपको होमवर्क में कर रही हूँ, करने के लिए बता रही हूँ कि आपने होमवर्क में करना है। तो आज के लिए थ्री क्लास इतना ही, अल्लाह हाफिज़।